Hello everyone, welcome to Login Agri and welcome to lecture 6 of NABARD live classes. इस लेक्चर में हम सॉइल साइंस के कुछ बेसिक्स को देखेंगे, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, रॉक्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, उसको आप ध्यान में रखना, सब चीजें याद रहेंगी और सब कुछ समझ में आएगा। ये एक पहाड़ है, ठीक है, एक नदी बह रही है, ऐसी पिक्चर देखी होगी आपने टीवी वगैरह में। और ये सिंपल पहाड़ नहीं है, ज्वालामुखी वाला पहाड़ है, ठीक है। इसके अंदर मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा है, हॉट। अब देखो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो फट के ये बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो चलो ऐसा ही कुछ हुआ और ये ज्वालामुखी फट गया और इसके अंदर का जो लिक्विड मैग्मा है वो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये बाहर जो आया है मैग्मा ये भी कूल होके सॉलिड हो जाएगा और अंदर भी, सारे तो बाहर आए नहीं है क्योंकि जब तक प्रेशर रहेगा तब तक ही बाहर आता है ना, तो अंदर भी कूल होकर सॉलिड हो जाएंगे मैग्मा। तो देखो ये मैग्मा कूल होने के प्रोसेस से जो बन रहा है ना, इनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब देखो दो तरह से बन रहे हैं, एक तो बाहर आया मैग्मा और कूल हुआ, ठीक है, लिक्विड बाहर आया, बाहर आके सॉलिड हो गया, तो इनको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, ये सेकंड वाला, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक अंदर ही सॉलिड हो गया है ना, बाहर जो नहीं निकल पाया था लिक्विड मैग्मा, ये अंदर ही कूल हुआ और फिर सॉलिड हो गया और फिर अर्थ मूवमेंट्स की वजह से ये बाहर आ जाता है, ये वाला बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ये दोनों इग्नियस रॉक्स हो गए, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं, प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रेनाइट, उसके अलावा डायोराइट, साइनाइट, गैब्रो, ये सारे हैं। वॉल्केनिक रॉक्स जो बाहर आके सॉलिड हुए थे मैग्मा, वो होते हैं। इनका एग्जांपल अगर देखें सबसे मेन है बेसाल्ट, और उसके बाद अदर एग्जांपल्स में ट्रेकाइट, एंडेसाइट, ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। देखो नदी यहाँ मैंने इसीलिए बनाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इग्नियस रॉक्स बने हैं, ठीक है, तो जब नदी बह रही है तो क्या होगा, इसको तोड़ तोड़ कर अपने साथ बहाएगी, ठीक है। एक मैं यहाँ साफ साफ फिगर बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये नदी बह रही है और इसके साथ साथ ये टूट टूट कर फ्रैगमेंट्स इसके बहते जाएंगे। क्या होगा आगे चलने के बाद, एक जगह ये मान लो डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, एक लेयर डिपॉजिट हुआ, उसके ऊपर से दूसरी लेयर, उसके ऊपर से तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये मोटा होता जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो नीचे होगा इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर होने से ये फिर क्या होगा, सीमेंटेशन प्रोसेस होगा और ये भी सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरह से जो बनता है ना, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेकेंड वाला। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट शेल, कॉन्ग्लोमरेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, पहले तो इग्नियस रॉक्स टूट रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सीमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। इस तरह से ये बनते हैं, इग्नियस रॉक से ट्रांसफॉर्मेशन होकर बनता है ये सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन, बहुत सारे एक्सेसरीज बाथरूम के जो होते हैं वो लाइमस्टोन से बनते हैं। सैंडस्टोन आपने देखा होगा, जो रेड फोर्ट है आगरा में, सॉरी दिल्ली में जो लाल किला है वो सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक बनता है इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकता है इग्नियस से बने, हो सकता है सेडिमेंट्री से बने, दोनों में से किसी एक से भी बन सकता है। कैसे बनता है, तो देखो देखो ये अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में कोर होता है और उसके ऊपर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो रहे हैं, या फिर मान लो इग्नियस रॉक्स भी हैं वो जमा हो रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर हो रहा है, बहुत सालों तक इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारी वजह से हम इसके ऊपर चलते फिरते हैं, उस पर बहुत सारे एक के बाद एक लेयर जमा हो रहे हैं, उसके वजह से प्रेशर पड़ता है। और यहाँ पर बीच में क्या है, बहुत हॉट लिक्विड होता है अर्थ के नीचे, अर्थ के बीच में, है ना, और यहाँ से हीट देता है इसमें। तो हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन से, या फिर ओनली हीट के या फिर ओनली प्रेशर के एप्लीकेशन से चेंजेस आ जाते हैं इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इस तरह से ड्यू टू प्रेशर ऑफ हीट और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इनके वजह से जो चेंजेस आते हैं और उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनके एग्जांपल्स में नीज, मार्मल, स्किट्स, स्लेट, कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ये सारे हैं। अब देखो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको कि
कौन से रॉक में क्या चेंज होता है और फिर वो कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया था प्लूटोनिक रॉक का, ग्रेनाइट है ना, इसमें जब हीट और प्रेशर का एप्लीकेशन पड़ता है तो ये बनता है नीज। उसी तरह से लाइमस्टोन है, जब लाइमस्टोन इसमें जब हीट एंड प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो ये बनाता है मार्बल। मार्बल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आगरा का ताजमहल, वो मार्बल से बना हुआ है ना। सैंडस्टोन, इस पर जब हीट या प्रेशर का एप्लीकेशन होता है तो ये बनाता है क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की, क्या डिफरेंस है दोनों में, मिनरल्स एंड रॉक्स में है क्या, देख लेते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स सिंपली क्या होते हैं, इनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, ना उस फॉर्मूला से थोड़ा आगे ना उस फॉर्मूला से थोड़ा पीछे। कैसे हम थोड़ा समझते हैं, देखिए क्वार्ट्ज ये एक मिनरल है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है SiO2, सिलिका। ये SiNO3 हो सकता है ना O1 हो सकता है, जब भी रहेगा तो SiO2 रहेगा, तो ये एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है क्वार्ट्ज का, तो इसको कहते हैं हम मिनरल्स। उसी तरह से ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। ठीक है, तो इस तरह से एक फिक्स फॉर्मूला होता है, ना उसके आगे ना उसके पीछे, तो उनको कहते हैं मिनरल्स। और बहुत सारे मिनरल्स ठीक है मिल जाते हैं, उनका मिक्सचर होता है रॉक्स में। ठीक है, तो रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स। अब बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, ओलिविन, टॉरमेलिन, ये सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तीन है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका। क्यों? क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है, मैंने आपको बताया जो अर्थ है इसके सबसे ऊपर वाले लेयर जहां पर हम रहते हैं इसको कहते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा 48% जो होता है वो फेल्डस्पार मिलता है, उसके बाद 36% क्वार्ट्ज मिलता है। क्वार्ट्ज ये सिलिका होता है, सैंड, सैंड का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्वार्ट्ज, 36% मिलता है, उसके बाद 10% माइका मिलता है, और बाकी ये सारे मिलाकर होगा कितने, 94% हो जाएंगे। उसके बाद जो बच जाता है 6%, उसमें होता है ओलिविन, टॉर्मेलिन और भी बहुत सारे हैं, तो ये बाकी के 6% जो बच गए उनमें होता है, 94% यही क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका, यही मिनरल मिलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्वार्ट्ज, अब इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन तो इतने से ही आएंगे अगर आएंगे तो। क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिका होता है, सैंडी फ्रैक्शन जो होता है वो, अब जहां ये सिलिका होगा ना वो हमेशा एसिड रॉक बनाएगा और सैंडियर टाइप का रॉक बनाएगा, एसिड रॉक्स गिव राइज टू सैंडियर टाइप। जहां भी सिलिका होगा वो एसिड होगा और सैंडियर फ्रैक्शन बनाएगा, और जो बेसिक रॉक्स होंगे जितना कम होगा सिलिका उतना ज्यादा बेसिक होगा और वो फिर बनाता है क्लेई टाइप सॉइल। फील्ड्स पर ये इजिली वेदरिंग सॉइल है, आसानी से टूटने वाला एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज। बाकी इसका आपको फॉर्मूला वगैरह आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये पोटासिक मिनरल है, K2O Al2O3 6SiO2, इसका फॉर्मूला होता है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है आपको ये 48% अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फील्ड्स पर माइका ये एक वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट मिनरल होता है, और क्या, इतना काफी है। बाकी फिर ओलिविन, टॉर्मेलिन ये सारे हैं, तो जो भी रेफरेंस लो आप, मैं अरुण कात्यायन की बुक मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी बुक है, बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, और नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है अरुण कात्यायन की बुक। ठीक है, शॉर्ट में उसने सब कुछ कवर कर रखा है, तो उसको आप पढ़ लो तो काफी होगा आपको एग्जाम देने के लिए। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले इनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वैसे मिनरल्स जो डायरेक्टली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, और सेकेंडरी मिनरल्स वो होते हैं जो प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होने के बाद मिनरल्स फॉर्म होते हैं, उनको हम सेकेंडरी मिनरल्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जियोथाइट, हेमेटाइट, ये सारे हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो हमेशा कोर्सर फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे सैंड्स, ग्रेवल, स्टोन, और जो फाइन मटेरियल्स होते हैं जैसे क्ले, इनमें सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है, ये होता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस फॉर विदरिंग। अब समझ लो नदी है, ठीक है, इसमें एक चट्टान रखा है, अब नदी के पानी से इस पर फ्रिक्शन होगा है ना, फोर्स लगेगा, तो ये कितनी आसानी से टूट जा रहा है, तो इसके बेसिस पर कि ये या आसानी से टूट रहा है या फिर आसानी से नहीं टूट रहा है, बड़ी मुश्किल से टूट रहा है, तो बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इसको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, वेरी स्लोली वेदर्ड, मॉडरेट रेजिस्टेंट या स्लोली वेदर्ड, और लास्ट वन होता है
इजिली वेदर्ड, वेरी स्लोली वेदर्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इनमें, आसानी से ये टूटते नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, जो कि सारे मिनरल्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। बालू आसानी से टूटता नहीं है, वेदरिंग नहीं होता इसका, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा फिर मस्कोवाइट है, क्वार्ट्ज से ज्यादा नहीं होता बट फिर भी ठीक होता है, मोर रेजिस्टेंट में आता है। उसके बाद जो बीच वाले होते हैं, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा ज्यादा, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं फेल्डस्पर, बायोटाइट। ये स्लोली वेदर्ड होते हैं, धीरे 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 टूटते हैं, बट ना बहुत ज्यादा कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इजिली वेदर्ड होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं, इनमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो ये एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल है ऑगाइट, हॉर्नब्लेंडे, ओलिविन, कैल्साइट, ये सारे। इसके बाद बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट परसेंटेज, जितना ज्यादा सिलिका होगा SiO2 उतना एसिडिक होगा रॉक। तो इसी के बेसिस पर तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एसिड रॉक, बेसिक रॉक एंड इंटरमीडिएट रॉक। देखो अगर 65-70% सिलिका है, ठीक है, तो फिर ये हो जाता है एसिडिक रॉक, ये पहला वाला। और अगर 40-55% है तो फिर होता है बेसिक, और इनके बीच में मतलब 55-65 ये होता है, तो फिर इनको कहते हैं हम इंटरमीडिएट रॉक्स, ये थर्ड वन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। एसिड रॉक्स के एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, सैंडस्टोन, ये सारे। बेसिक रॉक्स के एग्जांपल हैं गैब्रो, लाइमस्टोन, बेसाल्ट। जो मैं नोट्स दूंगा ना उसमें सब कुछ होगा, बाकी आप जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं, अरुण कात्यायन की बुक अच्छी बुक है, तो उससे अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसके बाद इंटरमीडिएट रॉक्स हैं, इनके एग्जांपल्स में आते हैं डायोराइट, साइनाइट, एंडेसाइट, ये सारे। अब बात करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स की। देखो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, उसको याद रखना, सब कुछ याद रहेगा आपको। दो एग्जांपल दूंगा, देखो एक पत्थर है रॉक, ठीक है, मिनरल है ये, इसमें एक हल्का सा दरार है और एक कीड़ा है, वो इस दरार में घुस जाता है और इसको बड़ा करता जाता है, ठीक है। बड़ा करते करते एक स्टेज ऐसा आता है ये टूट जाता है और टूट के दो टुकड़े बन जाते हैं। फिर ऐसा ही कुछ होता है और छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे होते होते फिर ये फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं बहुत छोटे। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, इसको कहते हैं हम विदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है, कीड़ा है, वॉर्म है, इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको हम बायोलॉजिकल विदरिंग कहेंगे। ऐसे ही अगर एजेंट फिजिकल एजेंट है तो फिर उसको फिजिकल विदरिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, नदी है, ठीक है, और उसमें एक पत्थर रखा है, ठीक है। तो नदी के पानी से इस पर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और ये टूट टूट कर हल्का बालू बनता रहेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन होगा बिकॉज ऑफ रिवर वाटर हो रहा है, स्ट्रीम के फोर्स की वजह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं फिजिकल विदरिंग। और एक्चुअल में जो विदरिंग होता है ना, वो फिजिकल विदरिंग ही होता है, बाकी तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं। तो फिजिकल विदरिंग से जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनको कहते हैं स्केलेटल सॉइल्स, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉइल बनते नहीं है, है ना, बस टूट टूट के छोटे हो जाते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस फिर उसको कंप्लीटली सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें विदरिंग ऑफ रॉक्स से रिलेटेड, जो कि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे। तो देखो, रॉक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मिनरल्स वेदर मोर इजिली, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिनरल होगा रॉक्स में उतनी आसानी से वो टूट जाएगा, उतनी आसानी से वेदर हो जाता है। उसके बाद बेसिक इग्नियस रॉक और एसिडिक इग्नियस रॉक्स, इन दोनों में जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ज्यादा टूटते हैं, इजिली वेदर हो जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो आसानी से वेदर नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में भी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो लाइमस्टोन वो इजिली वेदर होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक इज रेफर्ड टू एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एंड द केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज टेकिंग प्लेस मे बी टेकन टू कंस्टिट्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फिजिकल वेदरिंग मैंने आपको बताया, फिजिकल एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से वेदरिंग होता है, जैसे कि हीट एंड कोल्ड, फ्रीजिंग थॉइंग, इरोजन बाय स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स की वजह से हो रहा है, तो ये सब अगर हो रहा है तो इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, और इससे स्केलेटल सॉइल्स फॉर्म होते हैं। केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनमें दो स्टेजेस होते हैं, पहला तो डिसअपीयरेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स होता है, और फिर दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं केमिकल वेदरिंग को समझने के लिए, कार्बोनेशन प्रोसेस जो होता है इसको मैं बताता हूं। सब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल होता क्या है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो कार्बोनेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मिनरल होता है कैल्साइट, जिसमें जो
ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो जब बारिश होती है, थंडरिंग होती है, तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और CO2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब H2CO3 और ये CaCO3 जो कैल्साइट है, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये एक कंपाउंड बनाते हैं बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल 2, ठीक है। HCO3 है, बाइकार्बोनेट होल 2 है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये फिर धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाता है और नीचे जमा होता है, और फिर एक न्यूक्लियाई के रूप में ये सर्व करता है, और इसके ऊपर से फिर और जमा होते 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 फिर ये बड़ा बन जाता है, और इस तरह से बनता है कंकड़। ये होता है एक्चुअल कंकड़, ठीक है। तो यहां देखो, एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, पहले H2O CO2, ये दोनों मिलकर H2CO3 बना रहे हैं, फिर कैल्साइट के साथ रिएक्शन हो रहा है, और फिर ये बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो इस तरह से जो कंकड़ फॉर्म हो रहा है ये कार्बोनेशन प्रोसेस से हो रहा है, तो ये केमिकल विदरिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये एजेंट है इस विदरिंग का, इसलिए इसको कहेंगे हम केमिकल विदरिंग। बायोलॉजिकल विदरिंग ये बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होता है, होता सब कुछ वही है, बस यहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कीड़े वाला, है ना, तो वो कीड़ा क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट है। तो इस तरह से जो विदरिंग हो रहा है वो बायोलॉजिकल विदरिंग कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक रफ ओवरव्यू ले लीजिए कि कितने तरह के सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, उसके बाद मैं सबके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस चार हैं, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन एंड हराइजनेशन। और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक तो जोनल और एक इंट्राजोनल, ठीक है। जोनल मतलब एक जोन से दूसरे जोन में होता है, इंट्राजोनल मतलब एक ही जोन के अंदर होता है, ठीक है। अब जोनल में चार तरह के और होते हैं, कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन। इंट्राजोनल में फिर ग्लीजेशन आ जाते हैं, सलाइनेशन होते हैं, सोलोनाइजेशन होता है, सोलो डाइजेशन होता है, फिर पेडोटर्बेशन होता है। अब देखिए एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, देखो अर्थ है, अर्थ के ऊपर पेड़ पौधे जीव जंतु सब रह रहे हैं। अब पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं, सड़ते हैं, सड़ने के बाद जो चीज बनती है उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमस बनने का जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू फॉर्म ह्यूमस, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, देखो पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, और सड़ने गलने के बाद जो चीज बनती है उसको कहते हैं ह्यूमस, और इसी ह्यूमस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब आता है एलुविएशन और इलुविएशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या है। देखो एलुविएशन में आपको याद रखना है वॉशिंग आउट, इलुविएशन में आपको याद रखना है वॉशिंग इन। अब देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा, हॉरिजॉन्स होते हैं, सबसे ऊपर होता है ओ, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है सी, ठीक है। ये पूरा सॉइल प्रोफाइल होता है, और सबसे नीचे होता है पेरेंट मटेरियल, पत्थर वगैरह, ठीक है। तो एलुविएशन और इलुविएशन में क्या होता है, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, परकुलेशन होता है पानी का। परकुलेशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2016 में। तो जब परकुलेशन होता है तो क्या करता है, पानी अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऊपर से नीचे ले आता है, ठीक है। अब ऊपर के जो लेयर्स हैं, यहाँ देखो ऊपर के जो लेयर्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में, ठीक है, पानी के साथ बह के वो नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है, यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहां बह के आ जाते हैं, तो यहां क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट हो रहा है, और यहां वॉशिंग इन हो रहा है, यहां रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में, और यहां पे हो रहा है यहां पे हो रहा है एक्युमुलेशन। ठीक है, तो वॉशिंग आउट जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एलुविएशन, ठीक है, और वॉशिंग इन जो हो रहा है, जहां डिपोजिशन हो रहा है, उसको कहते हैं इलुविएशन। तो अपर लेयर्स से वॉशिंग आउट होता है, एलुविएशन अपर लेयर्स में होता है, और लोअर लेयर में डिपोजिशन होता है, वॉशिंग इन होता है, इसको कहते हैं इलुविएशन। उसके बाद आता है हराइजनेशन। देखो बाद में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कौन कौन से हॉरिजन है, किसके क्या फीचर्स हैं,
सबके बारे में बताऊंगा, बट अभी इतना बस याद रखना है, जो हॉरिजन फॉर्मेशन होने का पूरा प्रोसेस है उसको हॉराइजनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता है ओ, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है सी, और सबसे नीचे होता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन बन रहा है, ओ ए बी सी, ठीक है, ये हॉरिजॉन बनने के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हॉराइजनेशन, ठीक है। सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर होता है ओ में, इसी तरह से ए में होता है कुछ, बी में, सी में, सबके होते हैं। ये मैं पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको बस याद रखना है कि जो हॉरिजॉन बनने का पूरा प्रोसेस है उसको हॉराइजनेशन कहते हैं। ये सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस, ये जो चार बताए मैंने, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन और हॉराइजनेशन, ये सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये हॉरिजनेशन जो होता है, ये पता है कितने साल लगते हैं इसको हॉरिजन बनने में, ये सारे है हॉरिजन बनने में, अगर फेवरेबल कंडीशन हैं तो 250 ईयर्स, और अगर एडवर्स कंडीशन है, कंडीशन सही नहीं है, तब 1000 से भी ज्यादा साल लगते हैं ये ओ ए बी सी हॉरिजन बनने में, ठीक है। अब देखते हैं हम जोनल पेडोजोनिक प्रोसेसेस। सबसे पहले आता है कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। कैल्सिफिकेशन में और डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, CaCO3, इनका एक में डिपोजिशन होता है, एक में, एक से रिमूवल होता है और दूसरे में एक्यूमुलेशन होता है। तो देखिए किससे रिमूवल होता है, किस में एक्यूमुलेशन होता है वो देखते हैं। कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस है, और ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ना कि फिजिकल प्रोसेस, सिंपली जैसे पानी के साथ बह के आ जा रहा था वो नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, उसके थ्रू होता है। CaCO3 का एक्यूमुलेशन अगर सॉइल में हो रहा है, देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, तो एक जगह अगर CaCO3 का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन। और अगर पानी के साथ ये घुल के और लीच आउट हो रहा है, पानी के साथ बह गया और फिर लेयर्स में जो यहाँ पे था पहले CaCO3 का डिपोजिशन, ये अगर खत्म हो गया, रिमूवल हो गया CaCO3 का, लीच आउट हो गया, तो फिर उसको कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। होता कैसे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब बारिश होती है, थंडरिंग होती है, तब H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3। H2CO3 और कैल्शियम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बनाते हैं CaCO3 होल 2, CaHCO3 होल 2, ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है, पानी में घुला हुआ होता है, लेकिन जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तब ये CaCO3 प्रोडक्ट देता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है और ये सेटल डाउन हो जाता है और मिट्टी में जमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम था पहले से मिट्टी में, हाइड्रोजन सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आए और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कर दिया सॉइल, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल प्रोसेस हुआ, उसके थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हुआ सॉइल में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन। अब यही चीज जब उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे जमा हुआ है, एक्यूमुलेशन है CaCO3 का, अब क्या होता है, जब ये संपर्क में आता है H2O और CO2 के, हाइड्रोजन सॉरी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये उल्टा होकर फिर से ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है CaHCO3 होल 2, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये जब H2O और CO2 के कांटेक्ट में आता है तो फिर से ये CaHCO3 होल 2 ये प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर धीरे धीरे पूरी प्रोसेस उल्टा होता है और ये घुलकर पानी में लीच आउट हो जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, कैल्सिफिकेशन जिप्सिफिकेशन में CaCO3 का डिपोजिशन होता है और डीकैल्सिफिकेशन में रिमूवल होता है, लीच आउट होता है। उसके बाद आता है पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है लेकिन दूसरे तरह से, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि एक में रिमूवल हो रहा है, एक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसमें देखो कैसे होता है, यहां समझाता हूं। देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, हॉरिजॉन्स हैं, ठीक है।
पोडोजोलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो ऊपरी लेयर है ठीक है, यहां से सिस्क्वी ऑक्साइड्स, ह्यूमस और बेसिस, सिस्क्वी ऑक्साइड्स किसको कहते हैं, एफ ई एंड एल को ठीक है, ये होता है और ह्यूमस होता है और बेसिस जैसे कि कैल्शियम, ये सारे ऊपरी लेयर से नीचे के लेयर में चले जाते हैं ठीक है, तो इसको कहते हैं पोडोजोलाइजेशन या फिर पोडजोलाइजेशन, दोनों कहते हैं ठीक है, समझ में आया। सिस्क्वी ऑक्साइड्स एफ ई एंड एल ये ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर के हॉरिजॉन से नीचे के हॉरिजॉन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं पोडजोलाइजेशन। और लेटराइजेशन में क्या होता है, सिस्क्वी ऑक्साइड्स के बदले सिलिका SiO2 ये ऊपर से नीचे आ जाता है ठीक है, पोडजोलाइजेशन में Fe और Al ये ऊपर से नीचे आएगा, लेटराइजेशन में सिलिका ऊपर से नीचे आता है। अब देखो पोडजोलाइजेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा ये वॉश आउट हो जाता है, तो ऊपर का जो लेयर होता है जैसे ए लेयर है ठीक है, ये वॉश आउट हो रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, एश लाइक अपीयरेंस हो जाता है, राख जैसा दिखने लगता है ठीक है पोडजोलाइजेशन में। और लेटराइजेशन में क्या होता है, देखो जैसे ऊपर का लेयर है, यहां से सिलिका नीचे चल गया SiO2, तो ऊपर में क्या क्या था, सिलिका था और सिस्क्यू ऑक्साइड्स थे FeAl, जब सिलिका नीचे चला गया तो FeAl इनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा ठीक है, जब इनका कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, जो ए हॉरिजोन है ऊपर का, इसमें जब सिलिका नीचे चला गया, सिलिका इससे रिमूव हो गया, तो इसमें सिर्फ बच गए Fe एंड Al, तो इनका कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाता है, Fe एंड Al बच जाते हैं सिर्फ, और इनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाता है ऊपर का जो ए हॉरिजोन है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है लेटराइजेशन, जो लेटर वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्रीक, ईंट जिसको कहते हैं ठीक है, ब्रीक या फिर टाइल, इसी वजह से नाम पड़ा है क्योंकि इसमें सिस्क्वी ऑक्साइड्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्ड हो जाता है ये पूरा हॉरिजॉन, इसलिए इसको कहते हैं लेटराइजेशन ठीक है। एक बार देख लो फिर से, पोडजोलाइजेशन में क्या होता है, सिस्क्वी ऑक्साइड्स का ऊपर से रिमूवल होता है, नीचे डिपोजिशन होता है, और लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका का ऊपर से रिमूवल होता है, नीचे डिपोजिशन होता है। अब बात करते हैं ग्लीजेशन का, देखो ग्लीजेशन सिंपली क्या होता है कि ये अर्थ है, बहुत सारे लेयर्स हैं, तो मान लो कहीं पानी जमा है, ड्रेनेज नहीं है पानी का, मतलब निकलने की कोई सुविधा नहीं है, जमीन के अंदर ही सॉइल में पानी जमा है, तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल का जो कलर है ग्रीन हो जाता है या फिर ग्रे हो जाता है या फिर ब्लू हो जाता है ठीक है, तो ये जो क्ले होता है इसको कहते हैं ग्ली ठीक है, तो ग्ली का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लीजेशन। सिंपली क्या हो रहा है, इसमें ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का सॉइल फॉर्म हो रहा है, और इस तरह के सॉइल्स को कहते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, और क्यों हो रहा है, क्योंकि पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉगिंग है, पानी जमा है यहाँ पर, इस वजह से हो रहा है ठीक है। सलाइनेशन इसी तरह से होता है, देखो एक सेकेंड, सलाइनेशन में ये अर्थ है, बहुत सारे लेयर्स हैं, अब मान लो यहाँ पे पानी जमा है, पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉगिंग है, तो जो पानी में सॉल्ट्स हैं ठीक है, वो क्या होंगे, मिट्टी में आ जाएंगे, तो मिट्टी में सॉल्ट्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सलाइनेशन। ग्लीजेशन में ग्ली का फॉर्मेशन हो रहा था, मिट्टी थी ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, और सलाइनेशन में सॉल्ट्स का एक्युमुलेशन होता है ठीक है। उसके बाद आता है सोलोनाइजेशन और सोलोडाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों, सोलोनाइजेशन का दूसरा नाम अल्कलाइजेशन भी है, अल्कलाइजेशन, और सोलोडाइजेशन का दूसरा नाम है डी अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें Na प्लस जो आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं, ये बेस है, अल्कली है, इसका डिपोजिशन होता है सॉइल प्रोफाइल में, ये एक हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है ठीक है, Na प्लस, इसका डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है सॉइल में, और सॉइल का पीएच 8.5 से भी ज्यादा हो जाता है, तो अल्कलीन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइजेशन या फिर सोलोनाइजेशन इसका नाम है। डी अल्कलाइजेशन में क्या होता है, ये Na प्लस आयन्स हैं, इनका रिमूवल होता है, ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, तो कहीं Na प्लस जो जमा है इनका अगर रिमूवल हो रहा है तो इसको कहते हैं सोलोडाइजेशन या डी अल्कलाइजेशन
ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, सॉइल एसिडिक होने लगता है। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा था, जमा हो रहा था सोडियम प्लस आयन, तो उसको कहते थे सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन। दूसरे में क्या हो रहा है, Na प्लस आयन, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन्स हैं, इनका रिमूवल हो रहा है, तो इसको कहते हैं सोलोडाइजेशन। अब देखो आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन तीन तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स के थ्रू होता है, तो इसको कहते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन। फ्लोरल का मतलब होता है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। दूसरा होता है एनिमल्स के थ्रू, तो एनिमल को क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। तो जब एनिमल्स के थ्रू पेडोटर्बेशन होता है तो उसको कहते हैं फॉनल पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन है क्या, ये तो पहले समझ लो। पेडोटर्बेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स। देखो ये समझ लो कि अर्थ का सरफेस है जहां हम रह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे समझ लो कि जानवर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जानवर जब दौड़ेंगे तो मिट्टी जो है नीचे, इनका मिक्सिंग होगा, तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है ना, इसको पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो यहां जानवरों के वजह से हो रहा है तो इसको कहेंगे फॉनल पेडोटर्बेशन बाय एनिमल्स। इसी तरह से पेड़ है, पेड़ के जड़ होते हैं, तो जैसे जैसे जड़ बड़े होते जाते हैं, तो इनके बड़े होने के वजह से, रूट्स के बड़े होने के वजह से क्या होता है, सॉइल का मिक्सिंग होता है, तो उसको कहेंगे फिर फ्लोरल पेडोटर्बेशन। सॉइल का मिक्सिंग हो रहा है बट प्लांट्स के थ्रू, तो इसको कहते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन। इसी तरह से तीसरा होता है, यहाँ ऊपर देखो, आर्जिली पेडोटर्बेशन। आर्जिली पेडोटर्बेशन, आर्जिली पेडोटर्बेशन क्या होता है, ये कॉटन सॉइल्स में होता है, जो ब्लैक कलर के कॉटन सॉइल्स होते हैं उनमें होता है। उनमें क्या होता है, देखो जैसे बारिश हुई तो पहले ऐसे था, जो सॉइल पार्टिकल है, बारिश हुई पानी सोख कर वो फिर बड़ा हो जाता है, जब सूख गया तो फिर छोटा हो जाता है। तो इस तरह से स्वेल एंड श्रिंक जब होता है तो एक चर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसके वजह से जो मिक्सिंग होती है उसको कहते हैं आर्जिली पेडोटर्बेशन। तो हमने सारे प्रोसेस समझ लिए, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, सड़ने गलने के बाद जीव जंतु जो भी हैं सड़ने गलने के बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, और ह्यूमस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। एलुवियेशन, इलुवियेशन, इसमें क्या होता है, सॉइल के अपर लेयर से पानी के साथ बह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर में वॉशिंग आउट होता है, इसको कहते हैं एलुवियेशन, और नीचे में वॉशिंग इन होता है, तो इसको कहते हैं एलुवियेशन। ठीक है, ये अपर लेयर में होता है एलुवियेशन, लोअर लेयर में होता है इलुवियेशन। हराइजेनेशन क्या होता है, हरिजन का फॉर्मेशन, जैसे ओ ए बी सी, बहुत सारे हॉरिजन्स होते हैं अर्थ के ऊपर, लेयर्स होते हैं, तो इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं हराइजेनेशन। कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्सिफिकेशन में CaCO3 का एक्यूमुलेशन होता है, डीकैल्सिफिकेशन में CaCO3 का रिमूवल होता है। पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन में क्या होता है, पोडोजोलाइजेशन में सिस्क्यू ऑक्साइड्स FeAl ये ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका SiO2 ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, ग्लीजेशन में ग्ली का फॉर्मेशन होता है, पानी जब जमा रहता है तो उसके वजह से मिट्टी का कलर हो जाता है ग्रे, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का हो जाता है, और ग्ली का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं ग्लीजेशन। सलाइनेशन में क्या होता है, जो पानी जमा हुआ है, मतलब सॉइल है उसमें पानी जमा है, तो पानी में जो भी सॉल्ट्स हैं वो पानी में आ जाते हैं, तो सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है, उसको कहते हैं सलाइनेशन। सोलोनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, इसमें क्या होता है, सोलोनाइजेशन में Na प्लस सोडियम प्लस आयन्स, इसका एक्यूमुलेशन होता है, सोलोडाइजेशन में Na प्लस आयन्स का रिमूवल होता है, सोडियम आयन्स का रिमूवल होता है। पेडोटर्बेशन में मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स होता है, जानवरों के वजह से हुआ तो फॉनल पेडोटर्बेशन बोलेंगे, और अगर प्लांट्स के वजह से मिक्सिंग हो रहा है तो फिर फ्लोरल पेडोटर्बेशन बोलते हैं, और इसी तरह से स्वेल श्रिंक होने की वजह से होता है कॉटन सॉइल्स में, तो उसको एजिली पेडोटर्बेशन कहते हैं। देखो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, इससे क्वेश्चन बस यही पूछेंगे कौन से एक्टिव फैक्टर है कौन से पैसिव फैक्टर है। तो देखो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, तब सब कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करूँ कुछ ट्रिक बनाकर याद रखो ताकि हमेशा याद रखे। तो एक फॉर्मूला है, देखो S इज इक्वल टू FClOrP(t), ठीक है, क्लोरपेट। तो सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ CLOrP(t), ठीक है, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। सीएल से क्या होता है, क्लाइमेट, ओ से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, आर से क्या होगा, रिलीफ, पी से क्या होगा, पेरेंट मटेरियल, टी से क्या होगा, टाइम।
टाइम एंड एज ऑफ लैंड, देखो यहां मैंने सब लिख रखे हैं, ठीक है। तो इनमें जो पहला दो है सीएलओ क्लो, ये दोनों एक्टिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये देखो ये एक्टिव फैक्टर्स हैं। उसके बाद आर और पी, देखो यहां आर से रिलीफ और पी से पेरेंट मटीरियल, ये दोनों पैसिव फैक्टर्स हैं। और लास्ट वाला जो होता है टाइम एंड एज, ये न्यूट्रल फैक्टर है। अब देखो ये फैक्टर्स अपने अपने तरह से अफेक्ट करते हैं। अब एग्जाम में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है नहीं। डिस्क्रिप्टिव होता तो पूछ सकते थे कि कैसे अफेक्ट करेगा रिलीफ। मैं आपको एक रिलीफ के बारे में बता देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना, थोड़ा सा व्यू ब्रॉड हो जाए। तो उसी तरह से आप मान सकते हो कि हाँ ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते होंगे अपने अपने तरह से, ठीक है। तो देखो रिलीफ कैसे अफेक्ट करता है, ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ हाइट ज्यादा है और यहाँ पर भी सॉइल है, यहाँ हाइट कम है यहाँ पर भी सॉइल है। तो टोपोग्राफी के वजह से, रिलीफ की वजह से, हाइट की वजह से क्या इफेक्ट होता है, देखो यहाँ जो सॉइल है, जो ऊपर में सॉइल है, सॉइल्स ऑफ अपर स्लोप आर लेस क्ले, इनमें क्ले का कंपोनेंट कम होगा, इनका पीएच कम होगा, सॉल्युबल साल्ट्स यहाँ पर कम होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम होंगे, इनका कलर जो है ये लाइटर होगा और ये वेल ड्रेन्ड होंगे एज कम्पेयर टू दिस लोअर सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से देखो हाइट का कितना इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ के सॉइल में और यहाँ के सॉइल में। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, ये सारे भी अपने अपने तरह से अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा नहीं, आपसे बस यही पूछ सकता है कि पैसिव फैक्टर्स कौन से हैं, एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं और न्यूट्रल फैक्टर्स कौन से हैं। और एक चीज पूछता है, देखो सॉइल का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। और फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी, इनका नाम पूछता है डोकुचेव थे, ठीक है, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब हम यूनिट 3 में फिर देखेंगे और भी चीजें। चलो कुछ बेसिक चीजें सॉइल स्टडी के बारे में, इनको देख लेते हैं, क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। तो दो तरह से स्टडी करते हैं सॉइल को, एक पेडोलॉजी और दूसरा इडेफोलॉजी है। देखो दो लोग हैं, एक होता है फार्मर जो कि सॉइल का यूज करता है अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस पर अपनी फसल को उगाता है और उसके लिए यूज करता है सॉइल का। और दूसरा होता है इंजीनियर, ये सॉइल का यूज कैसे करता है, मिट्टी का यूज करता है रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, ठीक है। तो ये अपने तरह से यूज करता है सॉइल का, ठीक है। अब ये दोनों स्टडी अलग अलग करेंगे सॉइल का। फार्मर जो स्टडी करेगा वो इन स्टैंड पॉइंट ऑफ क्रॉप, ठीक है, फूड के लिए किस तरह से यूजफुल होगा सॉइल, उसको स्टडी करेगा। तो ये जो स्टडी होती है ये कहलाती है इडेफोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। और इंजीनियर जिस तरह से स्टडी करेगा सॉइल को उसको कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, ये चीजें हैं। इस तरह से अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। और फार्मर कैसे स्टडी करता है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, कि प्लांट्स के लिए किस तरह से यूजफुल है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज अ, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपके पास, तो आपको भरना होता है नेचुरल बॉडी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट क्यों, क्योंकि इस पर प्लांट रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये नेचुरल हैबिटेट है। और नेचुरल बॉडी क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, हाईवेज में, ठीक है। तो ये होती है पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। क्वेश्चंस आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखो एक होता है ऑर्गेनिक सॉइल, एक होता है मिनरल सॉइल। अब देखो ये एक सॉइल है, ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है ये डिटरमिन करेगा कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है या फिर मिनरल सॉइल है। अगर 20% से ज्यादा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो फिर ये कहलाएगा ऑर्गेनिक सॉइल, और अगर 20% से कम है तो ये कहलाएगा मिनरल सॉइल, ठीक है। फिर मिनरल सॉइल में जो इसमें मिनरल्स होंगे वो इसके प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेंगे। अब ऑर्गेनिक सॉइल में भी अगर 20% से ज्यादा है बट 30% से कम है तो फिर ये लो क्ले कंटेंट होता है, ठीक है, और 30% से ज्यादा है और 60% तक है, मैक्सिमम 60% तक ही होता है, तो फिर इसको कहते हैं हाई क्ले कंटेंट ऑर्गेनिक सॉइल, हाई क्ले कंटेंट ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक सॉइल और मिनरल सॉइल। अब देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं। देखो ये एक सॉइल है, ठीक है, मास है सॉइल मास, इसमें 50% जो होता है वो सॉलिड होता है, मतलब मिट्टी होता है, और बाकी पोर होते हैं खाली, और पोर में क्या भरा होता है, पानी या फिर हवा। कितना भरा होता है,
तो 20 से 30% होता है एयर और 20 से 30% होता है वाटर, ठीक है, दोनों मिलाकर 50% होते हैं। और जो सॉलिड होता है इसमें 45% होता है मिनरल्स ऑयल, और ये जो 5% होता है ये होता है सिर्फ ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज बच जाता है, लॉ ऑफ मिनिमम, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। ये एक सॉइल है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जो भी है, ठीक है, एनपीके है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट इसमें कम हो जाता है, एन, इसकी मात्रा बहुत ही कम है, बाकी जो फास्फोरस है पोटासियम है ये सफिशियंट है, या कहें कि बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर एक भी अगर इसमें कम हो गया तो दिस सॉइल इज नॉट सफिशियंट फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और क्या करेगा, ये खेत को बैरन बना देगा, जो जमीन है उसको बैरन बना देगा, अगर एक भी न्यूट्रिएंट इसमें कम हुआ तो। सारे सफिशियंट होने चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतनी होनी चाहिए, अगर एक भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गया तो फिर ये बैरन बना देगा लैंड को। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, और ये लॉ दिया गया था वॉन लिबिक के द्वारा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम सॉइल प्रोफाइल और हॉरिजॉन्स के बारे में। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के एग्जाम में। तो एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, थोड़ा क्लियर होगा कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये अर्थ है हमारा गोल जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। अब देखो सालों से इस पर कई लेयर्स जमा हो रहे हैं मिट्टी बन बन के, ठीक है। तो ये पहला लेयर हुआ, उसके बाद हुआ दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, चौथा लेयर, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इस पर हम रहते हैं, ठीक है। हम मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इसको कहते हैं ओ, उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको कहते हैं ए, उसके बाद वाला लेयर होता है उसको कहते हैं बी, उसके बाद आता है सी, और सी के नीचे होता है इसको कहते हैं पेरेंट मटेरियल या फिर बेडरॉक कहते हैं। अब ये लेयर्स हैं, इसको कैसे समझोगे, देखो आपने देखा होगा कभी कभी जब खुदाई होता है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो देखो ऊपर में क्या होता है, खुदाई करना आसान होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो खुदाई करना मुश्किल हो जाता है और फिर नीचे पत्थर वगैरह मिलने लगते हैं। तो यही जो लास्ट में ये जो बच जाता है, पत्थर जब मिलने लगते हैं तो ये पोर्शन होता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है। हालांकि इतनी अंदर तक खुदाई बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी समझने के लिए इसको समझ लो, ठीक है। तो जो लास्ट में पत्थर मिलते हैं इसको पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो यही खुदाई आपको याद रखना है कि हम जैसे जैसे लेयर्स को पार करते जाते हैं तो खुदाई करना मुश्किल होता जाता है, सबसे ऊपर ओ में जब खुदाई करते हैं तो बहुत आसान होता है, तो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम ओ कहते हैं। अब देखो इसी फिगर को मैं बना रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा आपके लिए। सबसे ऊपर ओ हो गया, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और नीचे में पेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। तो देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है ये सारे लेयर्स ओ ए बी सी प्लस पेरेंट मटेरियल, ठीक है, इसको कहते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। सोलम क्या होता है, सिर्फ ये लेयर्स ओ ए बी एंड सी, अगर लेयर्स देखें जो कि ऊपर है पेरेंट मटेरियल के, तो इनको कहते हैं हम सोलम। और ये जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं ओ ए बी और सी, इनको कहेंगे हम हॉरिजॉन्स, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, ये सारे हॉरिजॉन है, ठीक है। तो आपने देख लिया सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है हॉरिजॉन्स प्लस पेरेंट मटेरियल। सोलम क्या होता है, सोलम अगर सारे हॉरिजॉन्स को हम एक साथ बोलें तो इनको कहते हैं सोलम। हॉरिजॉन्स क्या है, ये सारे इंडिविजुअल लेयर्स, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं हॉरिजॉन्स के बारे में, एक बार फिर से फिगर बनाता हूं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखो सबसे ऊपर हो गया ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद नीचे होता है पेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ओ के ऊपर हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये मरते हैं सड़ते गलते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ओ, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, क्योंकि जो भी मर के सड़ के गल के मिल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ओ में मिलेंगे, है ना। तो ओ जो होता है ये होता है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन,
यहाँ लिख भी रखा है मैंने, देखो ऑर्गेनिक हॉरिजोन, ओ को ऑर्गेनिक हॉरिजोन कहते हैं। उसके बाद आता है ए, ए होता है ये मिनरल हॉरिजोन होता है, सबसे ज्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ए का नीचे वाला लेयर होता है, ठीक है, यहां तक पूरा ए है, तो ए का जो नीचे वाला लेयर है ये, इसको कभी कभी ए टू भी कहा जाता है या फिर ई भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है ए टू, ये सबसे ज्यादा एलुवियेशन वाला पोर्शन होता है, मैक्सिमम एलुवियेशन वाला पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में एलुवियेशन क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिस्क्योक्साइड्स ह्यूमस ये सारे नीचे आ जाते हैं पानी के साथ, ठीक है, वॉश आउट होते हैं ऊपर में ए में और फिर बी में इनका डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है। तो सबसे ज्यादा एलुवियेशन होता है वो ए टू में होता है, ए हॉरिजोन के नीचे वाले लेयर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम एलुवियेशन वाला हॉरिजोन कौन सा है, ठीक है, और ऑप्शन में अगर ओ ए बी सी सिर्फ है तो आपको ए टिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर ओ ए बी और साथ में ए टू या फिर ई दिया हुआ है तब आपको ए टू या ई टिक करना है, ठीक है। तो ए हो गया मिनरल हॉरिजोन और ए टू जो लोअर पोर्शन है ए का, ये मैक्सिमम एलुवियेशन वाला पोर्शन है। अब देखो बात करते हैं बी की, तो बी का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये ट्रांजिशन लेयर होता है ए और बी के बीच में या ए टू और बी के बीच में, इसको कभी कभी कहते हैं ए बी या फिर ई बी, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टीज ज्यादा क्लोज होते हैं ए के ना कि बी से क्लोज होते हैं, तो ये बस एक ट्रांजिशन लेयर है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बी, तो बी सबसे ज्यादा इलुविएशन वाला पोर्शन है, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है, ए से वॉश आउट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और आके बी में डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है वो बी में होता है। तो ये मैक्सिमम इलुविएशन वाला लेयर है, मैक्सिमम इलुविएशन वाला हॉरिजोन है। उसके बाद आता है सी, तो सी की कोई बहुत खासियत नहीं है, बट फिर भी देखो क्या होता है, इसके नीचे जो है पेरेंट मटेरियल है जिससे टूट टूट कर ये सारे हॉरिजोन्स बने हैं, ठीक है। तो जो सी होता है ये लीस्ट विदर्ड वाला होता है, सबसे ज्यादा विदरिंग हुआ तो वो ओ बन जाता है, तो अभी ये टूट टूट कर बन ही रहा है, ठीक है, विदरिंग अभी हो ही रहा है, तो ये लीस्ट विदरिंग वाला पोर्शन होता है सी। और जैसे जैसे आपने देखा खुदाई होता है नीचे जाते हो तो पत्थर मिलते जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा जो सी है ये सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सी की, है ना, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी वगैरह होते हैं बहुत लूज होते हैं और ये सबसे ज्यादा टाइट होते हैं, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सी की होती है। और ये अनकंसोलिडेटेड होता है और लीस्ट विदर्ड होता है, ये सारी चीजें हैं सी के बारे में। तो ये आपने देख लिया सॉइल प्रोफाइल के बारे में, सोलम को समझ लिया, हॉरिजॉन्स कौन कौन से हैं, किसको कहते हैं और किसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू दे दिया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर। तो ये सारे हैं जो एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे, तो इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक ओवरव्यू ले लो और हो सके तो अपने नोटबुक में लिख लो ताकि आपको पता चलते रहे कि इसके बाद कौन सा आने वाला है, तब अच्छे से आप चीजें कोरिलेट कर पाओगे, याद रहेंगी। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है सॉइल टेक्सचर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल टेक्सचर होता क्या है। सपोज कि एक बर्तन है और इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब देखो इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले होता है सैंड, फिर होता है सिल्ट और फिर होता है क्ले। ये तीनों पार्टिकल्स हैं, फर्क क्या है इनमें, फर्क बस साइज का होता है। क्ले सबसे छोटा होता है, सिल्ट क्ले से बड़ा होता है बट सैंड से छोटा होता है, और सैंड सबसे बड़ा वाला पार्टिकल होता है। आगे मैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा इनका एक्चुअल साइज क्या होता है, साइज रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक में इनका साइज ले करता है, ठीक है। तो सब इसमें हो गया, पार्टिकल्स हैं सैंड सिल्ट और क्ले। अब सपोज कि 100 पार्टिकल्स हैं, 100 ही नहीं होंगे, बहुत होंगे, करोड़ों होंगे, बट सपोज कि 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें सैंड है 50, हम मान रहे हैं, ठीक है, सिल्ट है 30 और क्ले है 20, सब मिला के हो गए 100, ठीक है। अब ऐसा ही एक दूसरा बर्तन है, ठीक है, इसमें भी मिट्टी है, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें भी 100 पार्टिकल है मान लो, ठीक है, इसमें सैंड है 25, सिल्ट है 45, ठीक है, क्ले कितना हो जाएगा 30, ये भी सारे मिला के हो जाएंगे 100। अब देखो क्या है,
दोनों में 100-100 पार्टिकल्स, लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हैं सैंड सिल्ट और क्ले, कुछ सैंड है कुछ सिल्ट है कुछ क्ले है। तो इनका देखो, एक में 50 सैंड है, 30 सिल्ट है, 20 क्ले है, दूसरे में फिर अलग अलग है इनका रेशियो। तो ये जो रेशियो है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के कंपैरिजन में है, ये 30 है तो ये 50 है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन। तो ये जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, इसी को कहते हैं हम सॉइल टेक्सचर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये निकालते कैसे हैं कि इसका सॉइल टेक्सचर क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का। तो ये मैकेनिकल एनालिसिस हम करते हैं हाइड्रोमेट्रिक मेथड से। इस मेथड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो किसी भी बुक में पढ़ सकते हो, हर जगह दिया हुआ है, नेट से पढ़ सकते हो, ठीक है। पिक्नोमीटर वगैरह का यूज करके करते हैं। तो हाइड्रोमेट्रिक मेथड से सॉइल टेक्सचर निकालते हैं, ठीक है। आपको बस मेथड का नाम याद रखना है, एग्जाम में आपसे इस मेथड का नाम पूछता है, डिस्क्राइब करने नहीं बोलेगा, हाइड्रोमेट्रिक मेथड को डिस्क्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले है, ये सॉइल टेक्सचर कहलाता है और इसको हम हाइड्रोमेट्रिक मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है इन पार्टिकल्स का, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बताए थे मैंने, तो इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, स्टोन किसको बोलेंगे, सैंड किसको बोलेंगे, सिल्ट किसको बोलेंगे, क्ले किसको बोलेंगे, तो ये पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम करते हैं। अब देखो मैं एक यहाँ पे चार्ट बना रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन है, इसमें देखो यहां है 20 mm, उसके बाद है 2 mm, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.02 और उसके बाद है 0.002, बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो जो 20 mm से बड़ा होगा उसको कहेंगे हम स्टोन, ठीक है। 2 से 20 के बीच में जो होगा, 2 mm से 20 mm जिसका साइज होगा इन पार्टिकल्स का, तो इनको कहते हैं हम ग्रेवल, ठीक है। उसके बाद जो भी इसके नीचे हैं, इन सब को हम फाइन अर्थ कहते हैं। अब फाइन अर्थ भी कई तरह के हैं, जो 0.2 से 2 हैं, तो इनको कहते हैं हम कोर्स सैंड। 0.02 से 0.2 है, मतलब यहां से यहां तक, तो इसको कहते हैं हम फाइन सैंड। अब जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछता है वो सिल्ट के बारे में पूछता है, ये वाला पोर्शन 0.002 से 0.02, इसको कहते हैं हम सिल्ट, ठीक है। और इसके नीचे जो होगा 0.002 से भी जो नीचे होगा, इसको कहते हैं हम फिर क्ले पार्टिकल, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है याद रखना, सब में बस एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है। 20 था, इसमें एक पॉइंट लग गया तो 2 हो गया, फिर 2 में फिर एक पॉइंट लग गया तो 0.2 हो गया, फिर एक पॉइंट लग गया तो 0.02 हो गया, फिर 0.002 हो गया। तो पॉइंट का डिफरेंस 0 बढ़ता जा रहा है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, और भी कई तरह के क्लासिफिकेशन है, बट ये एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता है। चलो अब बच गया टेक्सचरल क्लासेस, इसको एक बार देख लेते हैं। टेक्सचरल क्लासेस में एक ट्राइंगल होता है और इसके बहुत सारे रीजन बटे हुए हैं, जैसे देखो क्ले है, क्ले लोम है, तो सॉइल का टाइप क्या होगा बेस्ड ऑन टेक्सचरल क्लासेस, वो इस ट्राइंगल से डिटरमिन करते हैं हम, कैसे वो देखते हैं। चलो मैं एक बार और ट्राइंगल बनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे है ये परसेंटेज क्ले है, तो यहाँ क्ले होता है, ठीक है, क्ले यहां होता है 0 और यहां होता है 100%, ठीक है। फिर यहां पर देखो सिल्ट है, तो ये पोर्शन होता है सिल्ट, और सिल्ट की वैल्यू यहां होती है 0 और यहां पर होती है 100। फिर देखो यहां पर है सैंड, सैंड की वैल्यू यहां होती है 0 और यहां होती है 100, ठीक है। अब मान लो हमारा, हमें एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें क्ले, सैंड और सिल्ट, ये तीनों दिया हुआ है। क्ले मान लो है हमारे पास 35%, सैंड जो सैंपल दिया हुआ है उसमें पार्टिकल्स हैं, तो क्ले पार्टिकल्स हैं 35%, सैंड है 25% और सिल्ट है 40%, ठीक है, सब मिलाकर 100 हो रहा है, सही है। चलो अब हम देखते हैं कि ये टेक्सचरल क्लासेस के हिसाब से कौन सा क्ले होगा, ये सैंपल जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे डिटरमिन करेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो क्ले है 35%, तो 35% कहाँ होगा, ये 50, यहाँ 50 होगा तो यहाँ के आसपास होगा 35%, तो क्ले का जो लाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर सैंड है 25%,
सैंड में 25 कहाँ होगा? देखो ये सैंड वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, इसमें 50 यहाँ होगा, यहाँ के अराउंड होगा 25%, ठीक है। तो सैंड वाली जो लाइन होती है वो ऐसे जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सिल्ट 40%, तो देखो 40 कहाँ होगा, यहाँ पे 50 होगा, तो यहाँ के अराउंड होगा 40, ठीक है। तो ये सिल्ट वाली जो लाइन होती है क्ले के पैरेलल चलती है, तो इसके पैरेलल चलेंगे तो देखो ये पॉइंट हो गया हमारा इस सैंपल का। अब ये पॉइंट इस ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है उस पर डिपेंड करेगा इसका टेक्सचरल क्लास कौन सा है, तो ये मेरे ख्याल से क्ले लोम में लाई करेगा, ठीक है। जब इस पे बनाओगे आप, इस चार्ट पे बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आ रहा है। तो क्ले लोम में लाई कर रहा है तो क्ले होगा, अगर क्ले वाला रीजन में लाई कर रहा है तो फिर क्ले सॉइल होगा। तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लासेस कौन से हैं। तो बहुत सारे टेक्सचरल क्लासेस होते हैं, जैसे सैंडी सॉइल होता है, लोमी सैंड सॉइल होता है, सैंडी लोम सॉइल होता है, लोम सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, सिल्टी क्ले सॉइल होता है, बहुत सारे हैं। इनके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। बट ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लास होता क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, रफली एक आइडिया देख लो कि अगर 80% से ज्यादा सिल्ट है तो फिर वो सिल्टी सॉइल होगा, 40% से ज्यादा क्ले है तो वो क्ले ही सॉइल होता है, और 85% से ज्यादा अगर सैंड है तो फिर वो सैंडी सॉइल होता है। तो इस तरह से हम डिपेंड करते हैं डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लासेस, ठीक है। तो यही है सॉइल टेक्सचर के बारे में, सब चीज यही है। क्वेश्चन इसमें से यही आएंगे, पार्टिकल साइज इसके बारे में पूछेगा, स्टोन का साइज क्या होता है, या फिर सिल्ट का साइज क्या होता है, क्ले का साइज क्या होता है, या फिर टेक्सचर क्लासेस के बारे में हो सकता है पूछ दे कि सैंडी सॉइल में सैंड की परसेंटेज कितनी होती है, क्ले में कितना होता है, और फिर सिल्ट में कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलो अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। तो देखो सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो ये एक बर्तन है, इसमें मिट्टी भरा हुआ है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, इसको कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। मान लो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मिलकर इस तरह का शेप फॉर्म कर रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से पार्टिकल्स इसमें हैं और ये सारे मिलकर एक लेयर बना दिया। इसी तरह से फिर दूसरा लेयर बनाते हैं, ठीक है, फिर तीसरा लेयर बनाते हैं, फिर चौथा लेयर बनाते हैं। इस तरह से अगर लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्लेटी शेप, ठीक है। और ये रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले सॉइल में होता है, तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो, पहले समझ लो। यहां देखो किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है इनका, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये तो एक हुआ प्लेटी। अब दूसरा है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होगा, तो देखो प्रिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो कॉलमनर होता है और एक होता है प्रिज्मेटिक। मान लो ये सारे पार्टिकल्स ये मिलकर इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं, ऐसा ही एक और है, तो इनको कहते हैं प्रिज्मेटिक, ठीक है। और अगर इस तरह से बनाते हैं, ये जो टॉप है ये लेवल टॉप था तो इसको प्रिज्मेटिक कह रहे थे। अब अगर इसका जो टॉप है ये ऐसा है, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे कॉलमनर। यहां लिख रखा है मैंने कॉलमनर, ठीक है। तो यहां देखो किस तरह से अरेंज हो रहा है, इसको कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला था प्लेटी, दूसरा था प्रिज्म, अब तीसरा है ब्लॉक लाइक। तो ब्लॉक लाइक में सिंपली क्या होता है, ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्स फेस, ये सारे पार्टिकल्स मिलकर क्यूब या फिर क्यूबॉइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ये ह्यूमिड रीजन्स में होता है, अपर पार्ट ऑफ बी हॉरिजॉन में होता है। और भी बहुत सारी बातें अगर डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत बहुत चीजें जानने को मिलेगी इन सब चीजों के बारे में सॉइल स्ट्रक्चर के अंडर, ठीक है। अब देखो चौथा आता है स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, ये सारे पार्टिकल्स मिलके सिंपली स्फेरॉइड इस तरह से एग्रीगेट राउंडेड एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इनकी साइज जो होती है वो 2 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है, ए हॉरिजॉन में मिलते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, जब ये एकदम डेंस है, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इनको कहेंगे हम ग्रेन्यूल्स। लेकिन जब ये ऐसा बना रहे हैं, इसमें एयर होता है, पोरस होते हैं ये, ठीक है, तब इनको कहते हैं हम
क्रम्ब, ठीक है। तो जब पोरस होगा तो इसको कहेंगे क्रम्ब, और ग्रैनुलर होता है जब इसमें कोई पोर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, प्लेटी, प्रिज्म, ब्लॉक लाइक, स्फेरॉइडल, ठीक है। देखो अब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ताकि एक दूसरे से बाइंड कर सकें पार्टिकल्स को, है ना। जब तक पानी नहीं होगा मिट्टी क्या होगा, मिट्टी तो टूटता रहेगा, पानी होता है तभी एक दूसरे से वो ज्वाइन रहते हैं और फिर वो इस तरह के शेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी इसके अलावा सीमेंटिंग एजेंट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिस्क्यू ऑक्साइड्स, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं, ये सारे भी सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ो, सब में दिया हुआ है डिटेल से। और एक चीज जो इसमें इंडिविजुअल एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं बेड्स या फिर सेकेंडरी यूनिट। तो ये चीजें हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, आप डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। जो रफ ऊपर से जानना था आपको वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, पोर स्पेस, सॉलिड स्पेस की। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए एक बार में हम डिस्कस करेंगे तीनों को। देखो ये एक बर्तन है, इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है। अब मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन पार्टिकल का भी कुछ वेट होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, और ये पूरे सॉइल मास का भी कुछ वेट होगा और कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसी पर डिपेंड करता है ये पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। देखो कैसे, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और अगर ये सिर्फ पार्टिकल का हम मास और पार्टिकल की वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा पार्टिकल डेंसिटी। और पूरे सॉइल मास का, अगर मास और पूरे सॉइल मास का वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं, तो वो हो जाता है बल्क डेंसिटी, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये पूरा सॉइल मास है। पूरे सॉइल मास का मान लेते हैं वजन है 5 kg, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है पूरा, ठीक है, वॉल्यूम ये मान लेते हैं 1 m³, ठीक है। ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 5 kg/m³, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पूरे सॉइल मास का लिया था, तो इसको कहेंगे हम बल्क डेंसिटी, ठीक है। अब देखो एक पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं, ये जो पार्टिकल है इसका भी कुछ मास होगा, फॉर एग्जाम्पल 0.0001, और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.0001, ये केजी और ये मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 आएगा, तो 1 kg/m³। यहां हमने सिर्फ पार्टिकल का लिया था, तो ये हो जाएगा पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ गया बल्क डेंसिटी क्या है और पार्टिकल डेंसिटी क्या है। पार्टिकल डेंसिटी में सिर्फ पार्टिकल के मास को और पार्टिकल के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, और बल्क डेंसिटी में पूरे सॉइल मास के वॉल्यूम को और पूरे सॉइल मास के वेट को हम कंसीडर करते हैं। अब देखो एक चीज, यहां पर हमने जब पार्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट किया था, तो इन स्पेस को, ये जो स्पेस है, ये सारे स्पेस है, इसके वॉल्यूम को हमने कंसिडर नहीं किया, बट जब सॉइल मास पूरा हमने लिया बल्क डेंसिटी में, तो पूरे वॉल्यूम को कंसीडर किया है, ठीक है। तो मान लो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये पूरा मास है, इसमें इतना पोर्शन तो कम से कम होगा सॉलिड स्पेस, ठीक है। तो सॉलिड जो होगा इसका कुछ वेट होगा, इसको हम WS बोलते हैं, और कुछ वॉल्यूम होगा, इसको VS बोलते हैं, और ये है पोर, ठीक है। ये जो पोर हमने, ये सारे जो खाली जगह थे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ खाली जगह होता है, तो ये पोर है। तो पोर इसका तो कोई वजन नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम होगा, बट वॉल्यूम को हम मान लेते हैं VP, ठीक है। तो देखो पार्टिकल डेंसिटी PD, ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्योंकि हम स्पेस को कंसीडर नहीं करते हैं। और जब बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर, यहां पर हम खाली स्पेस को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पर्पस के लिए अक्सर पार्टिकल डेंसिटी जो होता है उसको 2.65 लेते हैं फॉर मिनरल सॉइल्स, एवरेज अरेबल मिनरल सॉइल्स,
और ऑर्गेनिक मैटर के लिए पार्टिकल डेंसिटी लेते हैं 1.1 टू 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ये डेटा एग्जाम में पूछ सकता है, ये अक्सर पूछता है 2.65 की वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। बल्क डेंसिटी की वैल्यू फॉर कैलकुलेशन पर्पस अक्सर 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखो इस दोनों को आप अगर कंसिडर करो ना, तो इसका ये 2 times है, ठीक है। 1.33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा 2.66। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये दोनों वैल्यू एग्जाम में पूछते हैं और इससे बहुत चीज क्लियर होती है। पार्टिकल डेंसिटी 2.65 है और 1.33 है बल्क डेंसिटी, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि पार्टिकल डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा बल्क डेंसिटी से। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। अब देखो क्या चीज है, पोर स्पेस और सॉलिड स्पेस। तो ये फिगर मैं फिर से बनाता हूं, देखो इसमें क्या है, ये है सॉलिड और ये है पोर। इसका कुछ वजन होगा WS, इसका कोई वजन नहीं होगा। इसका वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड BS, और इसका वॉल्यूम होगा, खाली जगह है तो वॉल्यूम तो होगा ही, एयर भी है तो भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसको हम मान लेते हैं VP, ठीक है। अब सॉलिड स्पेस क्या है, सॉलिड स्पेस ये है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड स्पेस हो गया। अब पूछ दे अगर परसेंटेज सॉलिड स्पेस, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, VS अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, VS प्लस VP, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। इसको परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज सॉलिड स्पेस, ठीक है। और अगर बोल दे पोर स्पेस, तो पोर स्पेस भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, VP अपॉन टोटल VS प्लस VP इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज पोर स्पेस, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब देखो बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी हो जाएगी WS अपॉन VS प्लस VP, और पार्टिकल डेंसिटी हो जाएगी क्या, WS अपॉन VS। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ पोर को कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां से WS और यहां से WS, इन दोनों को अगर इक्वल करके हम अरेंज करते हैं इक्वेशन में, तो आता है परसेंटेज सॉलिड स्पेस इज इक्वल टू BD अपॉन PD इंटू 100। इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे, परसेंटेज सॉलिड स्पेस का फॉर्मूला क्या हो गया, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। अगर आप भूल जाओ ना एग्जाम में, तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना, बल्क डेंसिटी कम होता है, बल्क डेंसिटी मैंने बताया 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी ये रियलिस्टिक वैल्यू आएगा, 1 से 100 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 1.33 ऊपर होगा तब होगा बल्क डेंसिटी, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और पोर स्पेस बोल दे अगर परसेंटेज पोर स्पेस, तो अगर 65% सॉलिड है तो पोर कितना होगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से परसेंटेज पोर स्पेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंटेज पोर स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज सॉलिड स्पेस, ठीक है। अब देखो अलग अलग सॉइल टाइप्स के अलग अलग परसेंटेज पोर स्पेस होंगे, तो इनको आप याद कर सकते हो। क्ले का 50 से 60% होता है, सैंडी सॉइल है तो 20 से 30% होगा। अब देखो सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा या क्ले में ज्यादा होगा पोर स्पेस, ये एग्जाम में पूछता है अक्सर, तो क्ले में ज्यादा होता है, ठीक है, और सैंड में कम होता है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब आप एक बैग में भर के अगर गेहूं ले जा रहे हो आटा बनाने के लिए, ठीक है, तो अगर आप आटा बनवाने के बाद कोशिश करोगे उस आटे को उसी बैग में दोबारा से भरने की, तो उसमें नहीं आएगा, आटा ज्यादा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें पोर स्पेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से क्ले क्या है, क्ले फाइन मटेरियल है, और सैंड क्या है, कोर्स मटेरियल है ना, तो इसको अगर हम पीस करके छोटा करते हैं तब ये क्ले बन जाएगा, है ना। तो क्ले ऑफकोर्स ये बैग से बाहर हो जाएगा, क्यों, नहीं अट पाएगा बैग में, तो इसके पोर स्पेस ज्यादा होते हैं 50 से 60%, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और लोम इन दोनों के बीच में होता है 30 से 50%। अब दो चीजें आती है, माइक्रोपोर और मैक्रोपोर। तो 0.06 मिलीमीटर डायमीटर से अगर कम है पोर का डायमीटर, तो ये हो गया माइक्रोपोर, और अगर 0.06 मिलीमीटर से ज्यादा है पोर का डायमीटर, तो इसको फिर हम कहते हैं मैक्रोपोर,
ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ये छोटे छोटे सॉइल प्रॉपर्टीज हैं, देखो सॉइल कंसिस्टेंसी, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एक मिट्टी का गोला है, ठीक है, ये दूसरा मिट्टी का गोला है, ये ड्राई है और ये वेट है, ये भीगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम अगर हाथ से दबाते हैं, ये आसानी से नहीं दबेगा, इसको दबाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, दब जाएगा ये, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है, ये जो ड्राई वाला है इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी ज्यादा है, ये रेजिस्ट कर रहा है ज्यादा डिफॉर्मेशन को, और ये जो भीगा हुआ है वेट है इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी कम है, ये जल्दी डिफॉर्म हो जा रहा है, जल्दी रप्चर हो जा रहा है। तो यही चीज होती है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल मटेरियल टू डिफॉर्मेशन और रप्चर, इसको कहते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये जल्दी डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और इस ये जल्दी डिफॉर्म हो जा रहा है, जल्दी रप्चर कर जा रहा है तो इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी कम है। अब सॉइल कलर, तो सॉइल कलर में जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉइल के, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है कि मिनरल मैटर है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल का कलर क्या होगा। अब देखो अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो इसमें ब्लैक कलर होता है, अब आयरन है ज्यादा तो फिर ये रेड कलर कर सकता है, या फिर ब्राउन कलर कर सकता है, या फिर येलो कलर कर सकता है आयरन के वजह से, ठीक है। सिलिका जितना ज्यादा होगा उतना व्हाइट होगा, उतना ग्रे होता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कलर क्या है। सॉइल एयर, सॉइल में जो भी एयर है, ठीक है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, इसके ऊपर हम सब रह रहे हैं। अब देखो यहां एटमॉस्फेयर और यहां पे सॉइल है, ठीक है, सॉइल और छोड़ो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें सबको परसेंटेज पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। सॉइल में थोड़ा सा चेंज होता है, देखो एटमॉस्फेयर में 20.96 सबको पता है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 79.2%, ठीक है। अब जब सॉइल की बात करें तो थोड़ा सा चेंज है, सॉइल एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.60 ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.25 to 1%, और नाइट्रोजन सेम होता है जितना एटमॉस्फेयर में 79.2%, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो सॉइल का जो टेम्परेचर है वही सॉइल टेम्परेचर है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है। अब रूट डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर क्या है, 10 से 27 डिग्री, ये एग्जाम में पूछता है, बाकी ये नहीं पूछेगा सॉइल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। क्रॉप डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 15 से 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सॉइल का कलर जैसे जैसे डार्क होगा वैसे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल्स 86% सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। एलुवियल सॉइल्स होते हैं वो 40% सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं, तो उस हिसाब से इसका टेम्परेचर होगा। बाकी जो ग्रास कवर्ड सॉइल्स होते हैं 60% सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं सॉइल को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल वाटर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सॉइल वाटर सिंपली जो सॉइल में वाटर होता है, ठीक है, उसको सॉइल वाटर कहते हैं। अब हम एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं, पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको, दो तरह से, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर होता है और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तीन तरह से फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोस्कोपिक, कैपिलरी और ग्रेविटेशनल वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी तीन तरह के होते हैं, सुपरफ्लूअस, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। और तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको हम देख लेते हैं, इससे समझने में थोड़ा सा आसान होगा। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, देखो ये एक बर्तन है, इसमें भीगी हुई मिट्टी रखी हुई है, ठीक है, और ये इसके पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, मिट्टी को निकाल दिया, यहां ऐसे निकाल दिया, तो क्या होगा, इसमें जो भी पानी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पानी जो भी था मिट्टी में वो नीचे बर्तन में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो मिट्टी है इसमें जो मैक्रोपोर्स हैं, मतलब इसमें पोर्स थे, तो जो बड़े बड़े पोर्स थे वो उनमें जो पानी था वो नीचे आ गया, लेकिन जो माइक्रोपोर्स थे उनमें जो पानी भरा हुआ था वो वैसे के वैसे रहेगा, उसमें भरा हुआ रहेगा, ठीक है। बताया था मैंने आपको मैक्रोपोर्स होते हैं जिनका डायमीटर 0.06 से ज्यादा होता है उसको मैक्रोपोर्स कहते हैं, वैसे पोर्स जिनका डायमीटर 0.06 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, और अगर इससे कम हुआ, 0.06 मिलीमीटर से कम होता है डायमीटर पोर्स के, तो उनको फिर कहते हैं माइक्रोपोर्स। तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें जो पानी भरा हुआ है वो वैसे ही के वैसे रहते हैं, और जो मैक्रोपोर्स में पानी है वो नीचे
आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, इसको हमने बर्तन से निकाला था उसके थोड़ी देर के बाद, तो जो मॉइस्चर इसमें बच गया, ठीक है, सिर्फ माइक्रोपोर्स में, तब जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होता है ये, ध्यान रखना। जब माइक्रोपोर्स भरे रहते हैं और मैक्रोपोर्स खाली हो जाते हैं तब कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, उस समय के मॉइस्चर कंटेंट को। उसके बाद फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो इसको समझते हैं कैसे, समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सॉइल है, सरफेस है जिस पर हम रह रहे हैं, और इस पे पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ को जब तक पानी मिल रहा है ये बड़ा हो रहा है, मान लो हमने इसको पानी देना बंद कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर हमने इसको और पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगा और इसके पत्ते झड़ के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, और ये पेड़ मर जाएगा, डाई हो जाएगा। तो उस समय के मॉइस्चर कंटेंट को, कि जब हमने इसको अगर पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगा, मर जाएगा, उस समय जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी मॉइस्चर कंटेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको समझने का, जो एक्सपेरिमेंटली इसको डिफाइन किया गया है, देखो आपने वॉशिंग मशीन में ड्रायर देखा होगा, उसमें क्या होता है, कपड़े को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वो सूख जाता है, ठीक है, उसी तरह से एक सॉइल सैंपल है ना, इसको हमने इतनी तेजी से घुमाया, ठीक है, और इतनी तेजी से घुमाया कि इस पर जो फोर्स था वो 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9.8 इंटू जो भी इसका मास होगा, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके 1000 टाइम्स फोर्स देकर हमने इसको घुमाया, उसके बाद आधे घंटे के बाद जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बच जाएगा उसको कहेंगे हम हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट, ये भी मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। तो बहुत ही कम बचेगा, जो बहुत टाइटली बाउंड होंगे मॉइस्चर वही बचेंगे इस पे, हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट। अब देखो कितने फोर्स से अटैच होते हैं तो ये देखते हैं हम, हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट, इस पर जो बहुत टाइटली बाउंड होंगे मॉइस्चर वही बचेंगे, तो फोर्स कितना होता है, कितने फोर्स से जो बाइंड होते हैं मॉइस्चर वो बच जाते हैं, 31 एटीएम से 10,000 एटीएम, इतने फोर्स से बाउंड होते हैं जो मॉइस्चर्स वो बच जाते हैं हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट पे। तो जो फोर्स होता है, मॉइस्चर टेंशन होता है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट पे, वो होता है 31 एटीएम, कम से कम, मतलब कम से कम 31 एटीएम से बाइंड होंगे मॉइस्चर। उसके बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स होता है वो 15 एटीएम होता है, ठीक है, इस पर भी बहुत ज्यादा नहीं बट टाइटली बाउंड है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी पे कितने मॉइस्चर टेंशन से बाउंड होते हैं मॉइस्चर्स, फील्ड कैपेसिटी पे होते हैं 0.3 एटीएम, ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फील्ड कैपेसिटी पे कम फोर्स से बाउंड होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। अब इसी के बेसिस पे ये तीनों, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। इस लाइन पे सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी, उसके बाद है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी पे फोर्स कितना है बताया मैंने आपको, 0.1 to 0.3 एटीएम, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितना है, 15 एटीएम, और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे कितना है, कम से कम 31 एटीएम, 31 एटीएम से 10,000 होता है, और फील्ड कैपेसिटी पे 0.3 से 0.1 एटीएम होता है। अब देखो ये जो पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर है, इसमें पहला आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, वैसा वाटर, वैसे मॉइस्चर्स जो हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट से ज्यादा फोर्स से बाउंड है, ठीक है, मतलब इधर होगा, ठीक है, इधर होगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर, इसका जो फोर्स होता है वो होता है 31 से 10,000 एटीएम, ठीक है। फिर आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर फील्ड कैपेसिटी से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशियंट के बीच में होता है, मतलब जो फोर्स होता है, वैसे मॉइस्चर्स जिनको बाइंड करने का जो फोर्स होता है वो 0.3 से 31 एटीएम के बीच में होता है, ये होते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। लास्ट वन होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो फील्ड कैपेसिटी से भी कम फोर्स से अटैच होता है, मतलब बिल्कुल फ्री होता है,
ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो देखो मैंने वो एग्जांपल लिया था ना, एक बर्तन है इसमें मिट्टी भरे हैं, इसको हमने निकाल दिया मिट्टी को, उसके बाद जो पानी था इसमें वो नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो नीचे जो आया ये ग्रेविटेशनल वाटर था, ठीक है। इसमें जो रिटेन कर रहा है, जो मॉइस्चर रिटेन कर रहा है, वो है कैपिलरी वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर बहुत ज्यादा फोर्स से अटैच है, वो भी किसी काम का नहीं है। जो काम का है वो कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर का भी पूरा पोर्शन काम का नहीं होता है, हम देखेंगे आगे कैसे। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला होता है सुपरफ्लूइड, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर मैंने आपको बता दिया, फील्ड कैपेसिटी से कम होता है, मतलब 0.3 से कम फोर्स से अटैच होता है, उनको कहते हैं सुपरफ्लूस वाटर या फिर ग्रेविटेशनल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है? अवेलेबल वाटर ये पोर्शन होता है, मतलब फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है, इसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है। अनअवेलेबल वाटर कौन सा होता है? अनअवेलेबल वाटर होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो कैपिलरी वाटर भी सारे काम का नहीं है, जो ये पोर्शन है ये काम का है, अवेलेबल वाटर है, और ये अपर कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। ये अपर कैपिलरी वाटर है जो कि अनअवेलेबल होता है, ये भी काम का नहीं होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कितने फोर्स से अटैच होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है पीएफ के बारे में। देखो जैसे एसिडिटी को नापने के लिए पीएच होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 7 होता है वाटर का पीएच, और उससे अगर ज्यादा है तो बेस है, और उससे अगर कम है तो एसिड है, ठीक है। तो ये हम एसिडिटी को नापते हैं। उसी तरह से फोर्स को नापने के लिए भी होता है पीएफ, पीएफ, ठीक है, पावर ऑफ फोर्स। अब देखो फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ की वैल्यू कितनी होती है? फील्ड कैपेसिटी पे वैल्यू होती है 2.54। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितनी होती है? 4.2। और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे कितनी होती है? 6.0, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि अवेलेबल वाटर की पीएफ वैल्यू कितने से कितने होती है, रेंज क्या होता है, तो आप बता सकते हो अवेलेबल वाटर मैंने आपको यहां दिखाया है, अवेलेबल वाटर ये फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होता है, तो इसकी पीएफ रेंज कितनी होगी? 2.54 से 4.2। अगर अनअवेलेबल वाटर का पूछे तो आप बता सकते हो 4.2 से 6.0, ठीक है। अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, कैपिलरी वाटर का अगर पीएफ वैल्यू पूछे तो पीएफ वैल्यू आपको इसका बताना है 2.54 से 4.2, क्योंकि जो ये है अनअवेलेबल वाटर है, अनअवेलेबल वाटर मतलब अपर कैपिलरी वाटर, ये किसी काम का नहीं होता है। जो यूजफुल होता है कैपिलरी वाटर वो यही होता है 2.54 से 4.2 के बीच में। तो अगर कैपिलरी वाटर का आपसे पूछे पीएफ वैल्यू, पीएफ रेंज, तो आपको बताना होता है 2.54 से 4.2, ठीक है। ये हो गया पीएफ वैल्यू, आप बता दोगे इससे। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। मेरे बारे में अगर कुछ जानना हो तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है www.facebook.com/IamRoshanKumar। किसी तरह का सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आपके सारे कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सारे कमेंट्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।